आने लगेगा तो फिर आप जो है ना थोड़ा सा डीमोटिवेट होंगे, आपको फिर लगेगा कि बहुत टफ है सब्जेक्ट, कभी टफ नहीं होता है, हम लोग उस पर काम नहीं करते इसलिए हम लोगों को टफ लगता है। ठीक है, तो हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसका नाम होगा, कपड़ा दे दो, उसका नाम होगा डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर मतलब मेनली जो है जिसपे कंप्रेशन लगता है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है। ठीक है ना, जैसे कि आपका एक हो गया कॉलम, जैसे कॉलम, पहले हम लोग कॉलम समझ लेते हैं कि कॉलम किसको कहते हैं। हम लोग कल हम जो पढ़ा रहे थे तो आपको एक टॉपिक बताया था हमने, हमने बताया था ट्रस और फ्रेम। ट्रस और फ्रेम में आपको ये डिफरेंस बताया था हमने कि ट्रस हम लोग उसको कहते हैं जिसमें मेंबर के ऊपर कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है, और फ्रेम हमने वो बताया था जिसमें मेंबर के ऊपर बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है। मीन्स ट्रस का मतलब क्या होता है, ट्रस वो होता है जिसमें जॉइंट के ऊपर हम लोग लोड लगाते हैं, है ना, और फ्रेम वो होता है जिसमें मेंबर के ऊपर लोड लगता है। जैसे एक फिगर हम कल बताए थे, लेकिन आप थोड़ा सा फिर से एक बार देख लीजिए, है ना, काम करेगा ये। इस तरह से हमारे पास एक इस तरह से सिंपली सपोर्टेड एक ट्रस हमारे पास है। अगर इसमें लोड हम लोग कुछ इस प्रकार से लगा दें, मान लो यहाँ पे लगा दें हम लोग लोड, ये लोड लग रहा है, तो यहाँ पर जो भी लोड होगा जिसका दोनों तरफ क्या नहीं दे सकते हैं, हाँ एक तरफ रोलर है एक तरफ हिंज है ना, हाँ ये सिंपली सपोर्टेड है ना। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड जो होता है, हाँ बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड जो होता है वो एक्चुअली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखो क्या है ना, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट का मतलब होता है रीस्ट्रेन, सपोर्ट का मतलब होता है रीस्ट्रेन। रीस्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि जो अपोज करता है मूवमेंट को। अब ये मूवमेंट जो है किसी भी डायरेक्शन में अपोज हो सकता है, और डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वह स्ट्रक्चर जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लो कि अगर तुम यहाँ पर दोनों तरफ हिंज दे देते हो, मान लो कि दे दिए हम, चलो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं, तो हिंज जो जहाँ पर हिंज सपोर्ट होता है उसमें दो अननोन्स होते हैं, यानी दो रिएक्शन फोर्स डेवलप होते हैं। तो एक रिएक्शन फोर्स इधर से डेवलप हो गया, एक रिएक्शन फोर्स इधर से डेवलप हो गया, इसमें एक रिएक्शन इधर से डेवलप हो गया, एक रिएक्शन इधर से डेवलप हो गया, इस तरह से चार रिएक्शन फोर्स डेवलप हो जाएंगे, है ना, फोर रिएक्शन फोर्स डेवलप हो जाएंगे, आर ए और एच ए, मान लो आर बी और एच बी, इस प्रकार से चार जब हो गया। और हम लोग टू डायमेंशनल फिगर देखते हैं अगर, तो टू डायमेंशनल फिगर में क्या होता है, कृपया अपना माइक ऑफ करो, अरे मतलब थोड़ा सा तुम लोग को तो ये रहना चाहिए, पता चलना चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं, क्लास में रहता धोधा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर चार अननोन्स रिएक्शन डेवलप हो गए, और इक्विलिब्रियम का इक्वेशन तीन होता है, तो तीन इक्वेशन और यहाँ पर चार अननोन्स है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो गया। तो सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट नॉन एज सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर। सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, जिसमें आप सारे रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग एक रोलर लगाते हैं, रोलर में क्या होता है सिर्फ एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, तो तीन अननोन्स और तीन इक्वेशंस। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपका यहाँ पर ये आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, इस वजह से हम लोग इस तरह लगाते हैं।
जिसका भी क्वेश्चन था हमको आशा है कि समझ गया होगा। अब ट्रस मेंबर हम लोग उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है कि लोड जॉइंट पे लगता है। लोड जॉइंट पे लगने के कारण क्या होगा कि ये जो मेंबर्स हैं इनमें जो है बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होगा, तब ये ट्रस कहलाएगा। अगर हम बोलेंगे कि कोई एक ट्रस मेंबर है, इसका मतलब समझना है आपको कि उस मेंबर के ऊपर किसी प्रकार का बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ट्रस में क्या होगा, नो बेंडिंग मोमेंट। ट्रस के केस में होगा नो बेंडिंग मोमेंट। और इसी लोड को अगर यहां लगा देते, यहां से हटा के, तब क्या होता है, इसमें एक बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो जाता, तब ये फ्रेम कहलाता। तो फ्रेम में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा मेंबर में, है ना। हम लोग कॉलम को डिफाइन करते हैं। कॉलम क्या है, कॉलम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, एक वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें मेनली कंप्रेशन लगता है, है ना, सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। कॉलम क्या है, इट इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर ऑन विच, या फिर ऐसे मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ओनली, ठीक है। इसमें कंप्रेशन फोर्स लगेगा, लेकिन इसको क्या करते हैं हम लोग कि इसमें जो कंप्रेशन के अलावा जो है बेंडिंग मोमेंट भी इस पर लगता है ना। बेंडिंग मोमेंट मे बी आल्सो डेवलप। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें कंप्रेशन के साथ साथ बेंडिंग मोमेंट भी डेवलप होता है, इसलिए कॉलम का डिजाइन जो है हम लोग फ्रेम मेंबर की तरह करते हैं। सो कॉलम इज डिजाइंड एज फ्रेम मेंबर। कॉलम इज डिजाइंड एज फ्रेम मेंबर। दूसरा है, हाँ ये कौन सा लोड है, अच्छा तो जैसे मान लेते हैं एक आपके पास बंबू है, बांस है, इस पे लोड लगा रहे, तो ये बकल करता है कि नहीं। हाँ, तो बकलिंग बेंडिंग के कारण हुआ ना, ठीक है। दूसरा देखिए स्ट्रट जो है ये भी कंप्रेशन मेंबर है ना, इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन एंड नो बेंडिंग मोमेंट एक्ट ऑन दिस। सो स्ट्रट इज डिजाइंड एज ट्रस मेंबर। ट्रस मेंबर की तरह हम लोग स्ट्रट को डिजाइन करते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। फ्रेम का मतलब समझ गए, ट्रस का मतलब समझ गए। ट्रस का मतलब क्या होता है कि उसमें हर एक जॉइंट पे, मतलब जो भी मेंबर होगा उसमें अदर टेंशन होगा, कंप्रेशन होगा और बेंडिंग जीरो होगा ट्रस के केस में। लेकिन फ्रेम में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, टेंशन होगा और बेंडिंग भी होगा उसके अलावा, ठीक है ना। तो फ्रेम और ट्रस आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ना है तो वहाँ पर हम फिर और पढ़ाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर इतना डिफिनेशन समझ गए होंगे। ट्रस का मतलब क्या है, उसमें कंप्रेशन होगा, टेंशन होगा, नो बेंडिंग मोमेंट। फ्रेम में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, टेंशन होगा एंड बेंडिंग मोमेंट आल्सो डेवलप। तो जब हम बोलेंगे कि इट इज डिजाइंड एज अ फ्रेम मेंबर, तो आपको समझना है उसमें बेंडिंग मोमेंट भी लग सकता है या लग रहा होगा, है ना, या नहीं भी लग सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि वो लगे ही हमेशा, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। और अगर आपको हम बोल रहे हैं कि इट इज डिजाइन एज ए ट्रस मेंबर, मतलब आपको समझना है कि इसमें बेंडिंग मोमेंट कभी भी डेवलप नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसमें बेंडिंग मोमेंट के बारे में सोचना भी नहीं है कभी।
तो कहने का मतलब है कि कॉलम हमारा जो है वो एज ए फ्रेम डिजाइन होगा और जो स्ट्रट है वो हमारा एज ए ट्रस मेंबर डिजाइन होगा। अब कॉलम के केस में फेल्योर दो प्रकार से होता है, कॉलम जो है वो फेल दो प्रकार से कर सकता है, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो कॉलम में क्या होता है, दो तरह का फेल्योर होता है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं क्रशिंग फेल्योर और दूसरा हम लोग बोलते हैं जिसको बकलिंग फेल्योर। तो अगर कॉलम शॉर्ट कॉलम हैव थ्री टाइप्स, शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम, ये तीनों को डिफाइन करने के लिए लैम्डा से हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना, लैम्डा से हम लोग डिफाइन करते हैं। इफ लैम्डा इज लेस देन 8 तो ये शॉर्ट कॉलम में आता है, लैम्डा इज मोर देन 32 देन इट इज लॉन्ग कॉलम, और उन दोनों के बीच आता है तो दिस इज अ इंटरमीडिएट कॉलम। बट इट कैन बी आल्सो डिफाइंड इन द केस ऑफ आरसीसी, व्हेन लैम्डा इज लेस देन 12 देन इट इज शॉर्ट कॉलम, व्हेन लैम्डा इज मोर देन 12 देन इट इज लॉन्ग कॉलम, व्हाइल इन द केस ऑफ स्टील दिस लैम्डा विल बी चेंज्ड। लैम्डा स्टील के केस में बदल जाता है लेकिन आरसीसी के केस में नहीं बदलता है, आरसीसी के केस में दूसरा होता है और स्टील के केस में दूसरा होता है। अगर आपके पास ऑप्शन में 12-12 वाला है तो आपको समझना चाहिए कि आरसीसी का क्वेश्चन है, अगर 8-32 इस तरह से कुछ है तो आपको समझना चाहिए कि ये स्टील की तरफ ले जा रहा है। तो यहाँ पर खैर वो सब नहीं है, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ते हैं, और जो मैक्सिमम लेंथ होता है वो भी हम लोग लैम्डा के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, जिसका लेंथ जितना ज़्यादा होगा वो आपका स्लेंडरनेस रेशियो से डिफाइन करते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो हम कल ही बताए थे कि दिस इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ बाय मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन व्हेन द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज नॉट डिफाइंड। जब क्रॉस सेक्शन का शेप डिफाइंड नहीं होगा तब आप जो है स्लेंडरनेस रेशियो को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, तो दिस इज इफेक्टिव लेंथ बाय रेडियस ऑफ जायरेशन व्हेन शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड, देन तब हम लोग इसको स्लेंडरनेस रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं, इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट लैटरल डायमेंशन, है ना, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया में जो डायमेंशन छोटा है वो हम लोग उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। अब देखिए कि फेल्योर दो प्रकार का हो सकता है, कि अगर कॉलम शॉर्ट है, छोटा कॉलम है, मान लो कि छोटा सा एक आपने मान लो इतना छोटा आपने एक बंबू गाड़ दिया कहीं, उसके ऊपर आप लोड लगाएंगे, वो क्या होगा, वो टूट जाएगा या क्रश हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ फेल्योर इज नॉन एज क्रशिंग फेल्योर, क्योंकि वो ना बेंड नहीं कर पाएगा, बेंड करने के लिए उसके पास वो रेडियस नहीं मिल पाएगा उसको, लेकिन उसी को लंबा कर दिया, अब एक बम्बू लंबा ले लीजिए और फिर उस पर लोड लगाइए ऊपर से, तो वो इस तरह से बेंड कर जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। सच टाइप ऑफ फेल्योर इज नॉन एज बकलिंग फेल्योर। तो लॉन्ग कॉलम के केस में बकलिंग फेल्योर होगा, शॉर्ट कॉलम के केस में क्रशिंग फेल्योर होगा, और इंटरमीडिएट रहेगा तो दोनों मिक्स होगा, क्रशिंग भी हो सकता है और बकलिंग भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि इसका हम लोग आवाज नहीं आ रहा है, अरे कभी कभी थोड़ा बहुत कट जाता है तो मैनेज करो उसको, हम तो बार बार रिपीट कोई भी बात को रिपीट करते हैं, हम क्यों परेशान होता है। तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो को हमने कल डिफाइन किया था, जो आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनके लिए मैं सिर्फ ये डिफाइन कर देता हूं, दिस इज इफेक्टिव लेंथ बाय रेडियस ऑफ जायरेशन तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कॉलम, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कंप्रेशन मेंबर, इज 180। यहां पर कम लिए हैं, लेसर वैल्यू इज टेकन, बिकॉज बकलिंग टेक्स प्लेस, यहां पर बकलिंग हो सकता है इसीलिए हम लोग कम वैल्यू लिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, हो गया।
सारा लोड का बात कर रहे हैं। क्या चीज बोले? हाँ सारा होगा, सारा। जब आप स्लैब बनाते हैं तो स्लैब का जो लोड होता है, अगर चार कॉलम है तो वो लोड इक्वली फोर कॉलम में डिवाइड हो जाते हैं, है ना, बीम के माध्यम से। और अगर फ्लैट स्लैब बनाया तो डायरेक्ट स्लैब का लोड उसमें चला जाएगा, ठीक है। अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे तब पढ़ लेना, अभी परेशान मत। अब देखो सबको नजर आ रहा है ना अच्छा से? कुछ लाइट कम कर दी है, मतलब आंख मेरा थोड़ा कमजोर हो गया है। सबको दिख रहा है ना स्पष्ट? ठीक है, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए मान लेते हैं ये लोड हम लोग यहां लगा रहे हैं, मान लो ये फिक्स है ना, चलो फिक्स नहीं, चलो इसको हिंज कर देते हैं, यहां हिंज है, यहां भी एक हिंज है, और यहां पर हम लोग लोड लगा रहे हैं ऊपर से, ये पी लोड लगा रहे हैं, है ना। पी लोड इतना लोड लगा रहे हैं हम लोग कि जो उसका लेने का कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज्यादा लगा दिए, या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, तब ये फेल करेगा, ठीक है ना। अगर मान लो ये लोड ले सकता है 10 किलो न्यूटन का और हम लोग 10.2 किलो न्यूटन का लोड लगा दिए तो ये फिर कॉलम फेल करेगा आपका, ठीक है, क्लियर। अब वह लोड जिस लोड पे ये फेल करता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल लोड, क्रिटिकल लोड, एंड दिस इज गिवन बाय आयलर्स। क्रिटिकल लोड जो है इसको डिफाइन किया था, उसका नाम था आयलर्स, आयलर्स के द्वारा डिफाइंड हुआ था, डिफाइंड बाय आयलर्स। क्रिटिकल लोड मतलब हुआ द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द कॉलम जस्ट बिफोर द फेल्योर, मतलब अब फेल होने वाला है उसके पहले जो लोड हम लोग यहाँ लगा रहे हैं दैट इज द क्रिटिकल लोड, है ना। द लोड विच कैन बी अप्लाइड ऑन द कॉलम जस्ट बिफोर द फेल्योर ऑफ कॉलम, कॉलम के जस्ट फेल होने के पहले जो लोड है, मतलब कह सकते हैं कि फेल्योर लोड ही कह सकते हैं कि इस लोड के बाद थोड़ा सा भी अब लोड देंगे तो ये फेल हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने ये क्रिटिकल लोड यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब क्रिटिकल लोड अप्लाई करने के बाद ये हिंज है यहाँ पर, ये हिंज है, इसका मतलब होता है हिंज, ये हिंज सपोर्टेड बीम है, हिंज है, बीम नहीं कॉलम है, ठीक है। इसका लेंथ हमने ले लिया है L, दिस इज द लेंथ ऑफ कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम। अब इस पे हमने लोड लगा दिए। अब लोड लगाने के बाद जब ये फेल करने वाला रहेगा तो ये कैसा फेल करेगा? ऐसे यहां से ये मुड़ने का यहां पर है। हिंज का मतलब क्या होता है? हिंज का मतलब होता है जिसके अबाउट कोई मुड़ सकता है, लाइक दैट, यहां पर हिंज लगा हुआ है, दैट कैन बी बेंट, इस तरह से मूव कर जाएगा, रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पर रोटेशन पॉसिबल है, लोड इतना लगा कि ये ऐसा करके रोटेट कर गया, ठीक है, जस्ट ये रोटेट कर गया इस टाइप से, दिस इज नॉन एज बकलिंग, यही कहलाता है बकलिंग, इसी को हम लोग बकलिंग कहते हैं। तो यहां पर हिंज पे हमने पहले बताया था कि हिंज पे जो होता है बैंडिंग मोमेंट होता है जीरो, ये भी है हिंज, यहां भी होगा बैंडिंग मोमेंट इक्वल टू जीरो। किसी भी कॉलम में वह दो पॉइंट जहां पर बैंडिंग मोमेंट जीरो होता है उन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। सो ये दोनों पॉइंट के बीच बैंडिंग मोमेंट जीरो हो गया
तो दिस लेंथ इज नॉन एज इफेक्टिव लेंथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, तो यही इफेक्टिव लेंथ भी हो गया इफेक्टिव लेंथ। तो जो इसका एक्चुअल लेंथ था वही इसका इफेक्टिव लेंथ भी हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पहला केस लिए हम लोग व्हेन बोथ एंड्स आर हिंज्ड। अच्छा देखिए, ये बुक वाला सब बड़ा बदमाश होता है, ये क्या करेगा, इस तरह से नहीं लिखेगा बोथ एंड्स आर हिंज्ड, ऐसे नहीं लिखेगा, वो क्या करेगा कुछ अजीब अजीब टाइप का वर्ड यूज करेगा। अगर ऐसा लिख दिया तो बहुत अच्छा है तुम्हारे समझने के लिए, दैट इज गुड, उसको समझना है हम लोगों को। तो ऐसा लिखेगा कि क्या नहीं सुनाई दिया, कितना अच्छा है ठीक है ना। देखो क्या है कि जो बुक वाला है वो ऐसा नहीं लिखेगा बोथ एंड्स आर हिंज या बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, लिखेगा तो अच्छी बात है आप समझ जाएंगे, वो आसान है समझना, लेकिन वो कैसा लिखता है वो हम बता रहे हैं और उसका मतलब आप कैसे तुरंत समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। ये सब बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये सब अनुभव से आता है, ठीक है ना। और देख के लगी रहो, बालूल देख के पता चली रहो अनुभव भी है। तो देखिए, इंस आर हेल्ड इन पोजीशन, हेल्ड इन पोजीशन, जब हेल्ड इन पोजीशन लिखेगा तो आपको ये समझना है कि वो कहीं जा नहीं पा रहा है, ठीक है। हेल्ड इन पोजीशन का मतलब समझना है वो इधर उधर खिसक नहीं पा रहा है, जहां है वहीं रहेगा। जैसे देखिए, ये जहां पर था वहीं पर है, इधर उधर जा नहीं पाया, ये इधर उधर जा नहीं पाया। हेल्ड इन पोजीशन मतलब अपने पोजीशन पर रहेगा। तो हेल्ड इन पोजीशन का मतलब क्या होगा, वो हिंज भी हो सकता है, हिंज में क्या होगा रोटेशन होगा, ये रोटेशन होगा, लेटरल मूवमेंट नहीं होगा। अगर ये यहां पर हिंज लगा हुआ है, ऐसे बेंड कर सकता है, ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकता है। हेल्ड इन पोजीशन का मतलब है कि इंड जो होगा, इंड जो होगा वो आइदर फिक्स्ड होगा या फिर वो क्या हो सकता है, हिंज हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी आ गया। दूसरा बोलेगा रीस्ट्रेन इन रोटेशन, रीस्ट्रेन इन रोटेशन। अब इसका मतलब समझना क्या, एक मिनट में आ रहा हूं। रीस्ट्रेन इन रोटेशन, इसका मतलब ये समझना है हम लोगों को, रीस्ट्रेन मतलब होता है रोकना, तो रीस्ट्रेन इन पोजीशन मतलब रुका हुआ है, तो रीस्ट्रेन इन रोटेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिर्फ पॉसिबल है कब, फिक्स्ड इंड में। तो ऐसा लिख देगा तो आपको समझना है फिक्स्ड इंड, फिक्स्ड इंड। अब यहां देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, व्हेन बोथ एंड्स आर हिंज्ड। अब किताब वाला इसको कैसे लिखता है, एज ए बुक लैंग्वेज लिखता, बोथ एंड्स, बोथ एंड्स ऑफ कॉलम इज हेल्ड इन पोजिशन but not restrain in rotation, but not restrain in rotation, मतलब दोनों पोजिशन पर है लेकिन रोटेशन में कोई रिस्ट्रेन नहीं है, मतलब वो घूम सकता है। मीन्स आपको समझना है बोथ एंड्स आर हिंज्ड,
है ना, नॉट रिस्ट्रेन, यहां लिख देगा नॉट रिस्ट्रेन इन रोटेशन, तो आपको समझना है कि बोथ एंड्स आर हिंज। रिस्ट्रेन इन रोटेशन मतलब आपको समझना है कि वो फिक्स्ड ही होगा, तो ये आपका आ गया। तो इस केस में व्हेन बोथ एंड्स आर हिंज्ड, तो एल इफेक्टिव जो होगा आपका दिस इज इक्वल टू एल, एल के बराबर ही एल इफेक्टिव होगा। सेकेंड केस देखते हैं कि हम लोग एक एंड को फिक्स करते हैं और दूसरा एंड को हम लोग क्या करते हैं, हिंज्ड करते हैं, ठीक है ना। तो वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड, हिंज्ड यानी कहने का मतलब ये हो गया, एक एंड फिक्स है दूसरा एंड हिंज है। अब इसको बुक के लैंग्वेज में लिखते तो कैसे लिखते, इसको लिखते बोथ एंड्स आर हेल्ड इन पोजीशन, दोनों अपने पोजीशन में, बोथ एंड्स आर हेल्ड इन पोजीशन मींस द एंड्स मे बी हिंज और फिक्स्ड, तो बोथ एंड्स आर हेल्ड इन पोजीशन, बट वन एंड इज नॉट रिस्ट्रेन द रोटेशन। बोलते दोनों एंड जो है वो पोजीशन में हेल्ड है लेकिन एक एंड जो है वो पोजीशन को रिस्ट्रेन नहीं कर रहा है, मतलब तो समझना है कि दूसरा रिस्ट्रेन नहीं कर रहा, दोनों हेल्ड इन पोजीशन है, आइदर दोनों फिक्स हो सकता है या दोनों हिंज हो सकता है, लेकिन एक जो है वो रिस्ट्रेन नहीं कर रहा रोटेशन, मतलब वो हिंज है। तो ये इस तरह से लिखा रहेगा बुक में, ये आ गया। इस केस में जब आप निकालते हैं तो जो हमारा ये निकलता है बेंडिंग मोमेंट कहाँ जीरो होगा, ये हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे लैटरल डिफ्लेक्शन क्या होता है और उससे किस प्रकार से हम लोग बेंडिंग मोमेंट को जीरो कर सकते हैं। आप डिफ्लेक्शन नाम का एक चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें से आप जब आगे जाएंगे तो वर्टिकल कॉलम में ये पढ़ते हैं। तो इसमें आप देखते हैं क्या है कि चूंकि यहाँ पर हिंज है तो ये यहाँ से तो रोटेट कर जाएगा, लेकिन ये फिक्स्ड है तो यहाँ पर ये रोटेट थोड़ा ऊपर से करेगा, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया, यहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया, तो बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया। दो बेंडिंग मोमेंट जहाँ दो पॉइंट के बीच बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा वही आपका इफेक्टिव लेंथ कहलाएगा। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, टू पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, है ना। तो यहां पर हो गया, अब वो आता है 0.707 एल, ठीक है। ये जो है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, जो आप कैलकुलेट करेंगे वो थ्योरेटिकल वैल्यू, लेकिन लेकिन हमारा कंसेप्ट, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि फिक्स्ड इन को कभी भी 100% फिक्स नहीं कर सकते हम लोग, फिक्स्ड इन नेवर बिकम्स 100% फिक्स्ड, कभी भी वो 100% फिक्स्ड नहीं हो सकता है। इस वजह से हम लोग रिकमेंडेड वैल्यू को थोड़ा बढ़ा के लेते हैं, जैसे 0.7 है तो इसको बढ़ा के हम लोग 0.8 एल लेते हैं, दिस इज रिकमेंडेड वैल्यू। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज 100% फिक्सिडिटी इज नॉट पॉसिबल, 100% फिक्सिडिटी इज नॉट पॉसिबल, इस वजह से हम लोग बढ़ा के लेते हैं, ठीक है। अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले ले कि एक और बता दे, स्क्रीनशॉट ले ले, हाँ आरसीसी स्टील दोनों में लेते हैं, क्योंकि हम लोग डिजाइन करते हैं वहां पे, आप थ्योरी पढ़ते हैं वहां, डिजाइन क्या नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं डिजाइन, हाँ वहां सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, इस वजह से आप थ्योरी से ये जान पाते हैं। हो गया,
वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री, ठीक है, ये फिक्स्ड है। अगर यहाँ लोड लगता है तो ये कुछ इस प्रकार से बैंड हो जाएगा, यहाँ तो फ्री इंड है तो फ्री इंड पे बैंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो होगा, लेकिन फिक्स है लेकिन ये बैंड कर जाएगा नीचे से, यहाँ बैंडिंग मोमेंट आ रहा है। अब इसका दूसरा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि बैंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा। अगर इसका लेंथ एल है, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि द अदर पॉइंट वेयर द बैंडिंग मोमेंट इज जीरो। हम लोग क्या करते हैं, इमेजनरी इसको इधर बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर अगर इमेजनरी बढ़ाएंगे उतना ही लेंथ, तो यहाँ बैंडिंग मोमेंट जीरो मिल सकता है। तो दिस एल इफेक्टिव इक्वल टू 2L। और एक चौथा केस है, व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, जब दोनों एंड हमारा फिक्स्ड होगा तब, तो ये कुछ इस तरह से मुड़ेगा। तो अगर इसका लेंथ L है, ये सब याद रखने वाली चीज है और हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। तो दिस इज 0.5L, ये हो गया थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल एंड 0.65L रिकमेंडेड, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड एंड आया है। तो दिस इज द, ये चार केस आपको कॉलम में मिलता है, ठीक है ना, ये चार केस आप कॉलम में पढ़ते हैं और यही चार कॉलम हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम आप समझ गए, एक और समझ लीजिए कि अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है। अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम का मतलब क्या है कि मान लो जैसे हम लोग यहां पर एक स्लैब बना रहे हैं, यहाँ पर एक कॉलम लगा दिए हम लोग, ये हमारा बॉटम स्लैब है और ये हमारा बीम है, फ्लोर बीम है। तो अनसपोर्टेड लेंथ का मतलब देखना है आपको कि मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस कितना है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसका थिकनेस हमने स्लैब का अलग अलग लिया है या बीम का हमने थिकनेस अलग अलग ले लिया है, तो ये लेंथ जो होगा ये मैक्सिमम फ्री लेंथ होगा। So this length is known as unsupported length. Unsupported length. Unsupported length का मतलब आपको क्या समझना है? It is the maximum free, maximum clear distance. It is the maximum clear distance between top of the bottom slab and bottom of the roof slab या floor slab। तो इन दोनों के बीच का जो maximum clear distance होगा, that distance is known as unsupported length। अब आप इफेक्टिव लेंथ समझ गया, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। जायरेशन का मतलब होता है रिवोल्यूशन, कौन कितना रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। ये बहुत आएगा यहां पर, रेडियस ऑफ जायरेशन, जायरेशन का मतलब होता है रिवोल्यूशन, घूमना, ठीक है, कितना घूम रहा है, ठीक ना। अब देखो यहां पर क्या होगा कि हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं एक एरिया हमारे पास है और इसका सीजी है, ये इस एक्सिस के अबाउट आई एक्स एक्स बराबर, मान लो हम निकाले ए इंटू आर स्क्वायर, ये हमने निकाला यहाँ पर कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई एक्स एक्स वो ए इंटू आर स्क्वायर है, ठीक है, या आई एक्स एक्स मान लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीजी ऑफ एरिया, एरिया का सीजी के अबाउट, है ना,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उतना अच्छा से उसका एरिया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया। अब इस एरिया को हम एक स्ट्रिप में बदल रहे हैं ना, इसको हम एक स्ट्रिप में बदल दे रहे हैं जिसका एरिया ए है, और ये डिस्टेंस को हम इस तरह से रखें कि इस एरिया को स्ट्रिप में बदल दिया तो स्ट्रिप का सीजी जो होगा ये एक लाइन की तरह हो गया, तो वो वही हो जाएगा। और ये डिस्टेंस मान लो के एक्स एक्स है। अब इसका हम लोग जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो दिस विल बी आई के एक्स एक्स स्क्वायर। मतलब कि जब एक एरिया को हम स्ट्रिप एरिया में बदलना चाहते हैं या बदल देते हैं तो जो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था सीजी के अबाउट, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए या उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने के लिए हमारा स्ट्रिप जो है इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रहेगा उस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर मान लेते हैं कि अगर मान लो कि हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन का बात करें तो रेडियस ऑफ जायरेशन आपको बताता क्या है, ये आपको बताता है रेसिस्टेंस टू रोटेशन, है ना, रेसिस्टेंस टू रोटेशन। अगर किसी का रेडियस ऑफ जायरेशन ज़्यादा है इसका मतलब है कि उतना ही डिफिकल्ट है उसको रोटेट कराना, ठीक है ना। रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन आपको बताता है कि डिफिकल्ट टू रोटेशन या रेसिस्ट, आप ऐसा बोल सकते हैं इट मेजर द रेसिस्टेंस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन मेजर्स रेसिस्टेंस टू रोटेशन इफ इट इज मोर, मीन्स मोर डिफिकल्ट टू रोटेट, मोर डिफिकल्ट टू रोटेट। अब जब रोटेशन जितना टफ होगा, रोटेशन जितना टफ होगा इसका मतलब बकलिंग उतना कम होगा, है ना, ठीक है ना, यही ना होगा। डिफिकल्ट टू रोटेट मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बकलिंग उतना कम होगा, मीन्स दैट इज बकलिंग इज लेस, तो अब जब हम लोग इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर करेंगे तो के एक्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा, आई एक्स एक्स बाई ए अंडर रूट। सो ये आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, हाँ उसको हम लोग मान लिए कि एक एरिया हमारे पास था, एक पेपर था, उसका एरिया मान लो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको एक पतला स्ट्रिप में बदल लिए, इतना लंबा बदल देंगे कि लेंथ बहुत कर दें और विड्थ एकदम कम कर दें। मान लो लेंथ कर दिए हम लोग 10 सेंटीमीटर और विड्थ कर दिए 1 सेंटीमीटर, सोचो ऐसा, या 1 mm कर दिए, 10 mm स्क्वायर एरिया था तो 10 mm लेंथ कर दिए और 1 mm हम लोग विड्थ कर दिए, अब उसका एरिया क्या रहा, 10 mm स्क्वायर ही रहा, लेकिन वो स्ट्रिप में बदल गया। अब उस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही हमको चाहिए जितना उसका सीजी के अबाउट था, तो सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाने के लिए उस एक्सिस से उसका डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एरिया पूरा बहुत लंबा बहुत बड़ा डिस्टेंस में क्या हो गया है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो उतना ही एरिया लाने के लिए ये जो जो एक्सिस पहले से था मेरे पास उसी एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे उस एरिया को शिफ्ट कर दें कि उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, तो उस एक्सिस से उस एरिया का जितना डिस्टेंस है ना शिफ्ट होने का, जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा सेम रहे जो पहले था, तो दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन।
स्क्रीनशॉट हो गया है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम, कॉलम का लोड कैरिंग बाहर हो गया है, अंदर कर दे रहे हैं लोग, ठीक है ना। हाँ अभी ठीक है, लोड कैरिंग हम देखते रहते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा हो जाता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम, कॉलम का लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा, इसको लोड कैरिंग कैपेसिटी का मतलब आपको समझना है क्रिटिकल लोड। अभी जो बता रहे थे क्रिटिकल लोड मतलब वह लोड जिसके बाद थोड़ा सा भी लोड अगर हम लोग दे दें तो वह कॉलम फेल हो जाए, दैट इज गिवन बाय आयलर्स। और आयलर्स के अकॉर्डिंग जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या था हमारा, है ना। तो क्रिटिकल लोड या लोड कैरिंग कैपेसिटी PCR, वह फार्मूला है, ये फार्मूला जो है आपका जो है कहाँ से डिफाइंड है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से डिफाइंड है, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ आई लिखते हैं तो आई में हम लोग लिखते हैं आई मिनिमम, ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं आई मिनिमम लिखते हैं, है ना, आई मिनिमम, क्योंकि आप डिजाइन कर रहे हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो वहां पर आप आई मिनिमम नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ आप डिजाइन कर रहे हैं तो मान लो कि सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल ही है, सपोज करिए अगर इसका ये है 10 सेंटीमीटर और ये है मान लो 4 सेंटीमीटर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते हैं आप एक्स एक्स और वाई वाई, तो आई एक्स एक्स क्या निकलेगा, ये सी जी है, आई एक्स एक्स बराबर निकलेगा इसका क्यूब और बाई 4 बाई 12, ना आप फार्मूला जानते हैं बी डी क्यूब बाई 12, तो ये निकाला हमने। और अगर इसके अबाउट निकालेंगे आई वाई वाई के अबाउट तो निकलेगा डी बी क्यूब बाई 12, तो दिस विल बी 10 इंटू 4 का क्यूब बाई 12। अब देखिए ये दोनों टर्म तो कॉमन है यहाँ पर, अब ऊपर वाला टर्म जो है ये आई एक्स एक्स का बड़ा है और वाई आई वाई वाई का छोटा है, तो मतलब आई एक्स एक्स जो है वो बड़ा है आई वाई वाई के कंपेयर में। रेक्टेंगुलर सेक्शन इज आई सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन ही तो आई सेक्शन है, इसको कट कर देंगे तो आई सेक्शन बन जाएगा ये, तो आई एक्स एक्स जो है ये मोर देन आई वाई वाई है। तो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात करें तो हम क्या बताए थे, इसका मतलब आपको समझना है रोटेशन, तो जिधर ये जितना ज़्यादा होगा उतना रोटेशन कम होगा, मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स लेस रोटेशन, मीन्स लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन एंड वाइस वर्सा, उल्टा कर दो। तो अगर आई एक्स एक्स ज़्यादा है तो एक्स एक्स के अबाउट रोटेट होने की संभावना कम है, बकलिंग होने की संभावना कम है। अगर मान लो हम लोग एक कॉलम बना दिए इसी तरह रेक्टेंगुलर सेक्शन का, रेक्टेंगुलर सेक्शन का कॉलम बना दिए हम लोग, तो क्या होगा कि, है ना, ये
अब यहाँ पे लोड लग रहा है, अगर पी एक्स एक्स के अबाउट टूटने का संभावना, रोटेट करने का संभावना इसका कम है, यानी ये ऐसे बैंड नहीं करेगा, बैंड करना होगा तो ऐसे बैंड करेगा, मतलब इसका बैंडिंग कुछ इस प्रकार से होगा, वाई के अबाउट इस तरह नहीं होगा, एक्स के अबाउट नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो वाई के अबाउट आपका रोटेशन होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है मिनिमम की तरफ ज्यादा है, ज्यादा फेल होने का है। फेल होने का मतलब आपको समझना है कॉलम में बकलिंग, यहाँ पर तो सिर्फ बकलिंग ही समझना है, क्रशिंग का तो बात ही नहीं होगा, क्रशिंग का बात हम लोग करते हैं आरसीसी में। तो यहाँ पर आपको स्टील में जब भी समझना है तो आपको हमेशा समझना है कि आपका बकलिंग ही फेल्योर है, बकलिंग से ही फेल्योर होना है जो फेल्योर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि आई एक्स एक्स ज्यादा है आई वाई वाई के कंपेयर में, तो एक्स के अबाउट तो बकलिंग हो ही नहीं सकता है, जब बकलिंग होगा तो वाई के अबाउट होगा। इस वजह से जब हम लोग क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला लिखते हैं विच इज ड्राइव्ड बाय आइलर्स, सो दिस इज आल्सो नॉन एज आइलर्स लोड, सो दिस इज नॉन एज आइलर्स लोड आल्सो, आइलर्स क्रिटिकल लोड ज्यादा अच्छा रहेगा, आइलर्स क्रिटिकल लोड। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें लिखते हैं पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर नॉट आई मैक्सिमम, बिकॉज आई मैक्सिमम कभी उसके अबाउट बकलिंग नहीं हो सकता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल लोड। अब देखिए ये जो क्रिटिकल लोड है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एल इफेक्टिव पे, और एल इफेक्टिव जो हमारा होता है वो बेस्ड होता है, एल इफेक्टिव जो होता है वो बेस्ड होता है किस पे, एल इफेक्टिव जो है वो बेस्ड होता है हमारा इंड कंडीशन पे, है ना। तो एल इफेक्टिव जो है हमारा इफेक्टिव लेंथ जो है That will be based on end condition. तो कहने का मतलब है कि load carrying capacity of a column, load carrying capacity of a column depends upon end condition. End condition पे depend करेगा load carrying capacity. अब देखो यहां पर अगर हम लोग मान लो फॉर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, तो आप पी सी आर निकालिए इसके लिए, तो दिस विल बी पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाय एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव क्या होता था 2L अभी बताए थे, तो दिस विल बी पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम By 4L square. अब क्या करते हैं both end hinge कर देते हैं, both end hinge, both end hinged. तो critical load carrying capacity क्या हो जाएगा pi square EI minimum by both end, जब hinge होता था तो L square ही होता था। अब देखिए यहाँ कि अगर एक end को आप free रखते हैं और एक end को fix रखते हैं और दोनों इंड को जब हिंज रखते हैं तो लोड कैरिंग कैपेसिटी चार गुना बढ़ जाता है, देखिए उससे चार गुना ये ज्यादा है, इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके बराबर आएगा, मतलब अगर ये बोथ इंड हिंज अगर हम लोग मान लिए बोथ इंड हिंज बराबर क्या हो जाएगा पी सी आर, फोर टाइम्स ऑफ पी सी आर ऑफ वन इंड फिक्स एंड अदर फ्री। अब क्या करते हैं बोथ एंड को फिक्स करते हैं, मान लो बोथ एंड्स फिक्स्ड, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा फिक्स्ड दोनों के लिए, फिक्स्ड इन के लिए बोथ एंड फिक्स्ड के लिए क्या हो जाएगा पाई ई आई मिनिमम बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर, दिस इज पाई ई आई पाई स्क्वायर होगा, सॉरी पाई स्क्वायर ई आई, एल इफेक्टिव क्या हो गया 0.5L, तो 0.5L का मतलब हो गया 1/2L का स्क्वायर, सो दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाय एल स्क्वायर पी सी आर बोथ इन फिक्स नहीं, अभी हम लोग थियोरेटिकल वैल्यू से देख रहे हैं, उससे भी देखेंगे तो इसी का ज्यादा होगा क्योंकि ये सबसे इफेक्टिव लेंथ इसका कम है, है ना। अभी थ्योरेटिकल से देखेंगे तो सीधा सीधा दिखेगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कितना टाइम्स उससे होगा क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। तो यहाँ देखिए आप
कि यहाँ पर इतना था, अगर आप चाहते हैं तो ये क्या हो गया, अगर इससे हम लोग कंपेयर करें वन इंट फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, तो उसके कंपेयर में ये 16 टाइम्स ज़्यादा है, 16 गुना ज़्यादा है। तो इस वजह से जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा, इसके बीच में भी एक और था वन इंट हिंज एंड अदर इज फिक्स्ड, तो वो 0.7 था, तो इससे वो एल इफेक्टिव ज़्यादा ही था। यानी एल इफेक्टिव जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा, और एल इफेक्टिव सबसे कम जो है वो फिक्स्ड इंट का होता है। इसलिए लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम व्हिच बोथ इंड्स आर फिक्स्ड वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। हेंस लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम व्हिच बोथ इंड्स आर फिक्स्ड इज मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम होगा ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।